मधुमेह यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए रामबाण घरेलू काढ़े के बारे में आपको बताएंगे, इसके और भी फायदों के बारे में। बेल के काढ़े से आप डायबिटीज को तो कंट्रोल करेंगे ही, साथ में अन्य बीमारियों को भी ये जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। बेलपत्र का काढ़ा पीने से शरीर को बहुत से फायदे होते हैं, इसीलिए आज ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पत्र और बेल के फल का इस्तेमाल अधिकतर लोग पूजा करने के लिए करते हैं, खासतौर पर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपने देखा होगा बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने बेलपत्र का काढ़ा पिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। बेलपत्र के काढ़े में कई औषधीय गुण छिपे हुए होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं। खासतौर पर डायबिटीज रोगियों के लिए बेलपत्र का काढ़ा आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद माना गया है। आयुर्वेद में बेलपत्र का इस्तेमाल जड़ी बूटी की तरह से किया जाता है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बेलपत्र का काढ़ा बनाने की विधि और इसके बहुत सारे फायदों के बारे में। तो डायबिटीज के लिए बेलपत्र का काढ़ा कैसा रहेगा जानते हैं। शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप बेलपत्र का काढ़ा पीजिए। इस काढ़े को तैयार करने के लिए बेल के पत्तों के रस को निकाल लीजिए। इस रस को एक कप पानी में डाल करके अच्छे से उबालिएगा। इसके बाद इस कप में आपको छान लेना होगा और अपने स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ी सी शहद की बूंदें डाल करके पीनी है। ये काढ़ा आपके शरीर में शुगर को कम करेगा। डायबिटीज रोगी दिन में दो बार इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इस काढ़े को पीने से ब्लड शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जो कि डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा सफेद दाग से छुटकारा मिलेगा। लेकिन डायबिटीज रोगी एक बात का ध्यान रखें, जो आप शहद लेंगे वो आपको शुद्ध मिलना चाहिए। शुद्ध न मिले आपको तो बिना आप शहद के ले लीजिएगा काढ़ा, ये ध्यान रखिएगा। सफेद दाग से छुटकारा दिलाएगा। अब जानते हैं कि क्या क्या अन्य फायदे भी मिलेंगे हमारी बॉडी को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। बेल का काढ़ा वैसे भी कभी कभी ले लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ सफेद दाग को दूर करने में बहुत असरकारक होता है। दरअसल बेल में सोरलिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि स्किन में धूप सहने की क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है। सफेद दाग को हल्का करने में ये बहुत मददगार होता है। तीसरी जो बीमारी दूर होती है इससे, वो है एक्जिमा। एक्जिमा जैसे कि स्किन पर खुजली और दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आप जीरा और बेलपत्र से काढ़ा तैयार कीजिएगा और इसका सेवन कीजिएगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, एक कप पानी लीजिएगा, इसमें बेलपत्र की कुछ एक पत्तियां डाल दीजिएगा। इस पानी को अच्छे से उबालिएगा। इसके बाद इस काढ़े को चाय की तरह से पीजिएगा। इससे एक्जिमा से आपको राहत मिलेगी। इसमें थोड़ा सा जीरा भी मिला लीजिएगा। इसके अलावा बालों की परेशानी से भी राहत दिलाता है। बेलपत्र के इस्तेमाल से बालों से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसके लिए बेलपत्र के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाना होगा। इसे तेल की तरह से अपने बालों में लगाना होगा। इससे बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ बालों की अन्य जो परेशानियां होती हैं वो भी दूर होती हैं। इसके अलावा ये ब्लड को साफ करता है। जी हाँ, बेल का काढ़ा पीने से ब्लड हमारा साफ होता है। हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाइंग की तरह से ये कार्य करता है। साथ ही साथ बेल के पके हुए फल और शहद का सेवन करने से भी ब्लड हमारा साफ होता है। इसके अलावा हमारे दिल को यानी कि हार्ट को ये मजबूत करता है। बेलपत्र से तैयार काढ़े का सेवन करने से दिल मजबूत होता है, साथ ही साथ इससे हार्ट अटैक का खतरा भी दूर होता है। अगर आपको हार्ट से जुड़ी हुई परेशानी है तो दिन में 3 बार इस काढ़े का सेवन कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। तेज बुखार में भी ये काफी फायदेमंद है। बदलते मौसम की वजह से इन दिनों लोगों को तेज बुखार की परेशानी होती रहती है। वायरल फीवर होने से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर ये काढ़ा पीते हैं तो आपको राहत मिलेगी। बेल का काढ़ा पीने से तेज बुखार और संक्रमण से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। सबसे खास बात ये है, आइए जानते हैं बेल का अन्य कौन से तरीके हैं जिससे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शरीर में दुर्गंध हो गई है, यानी कि आपके शरीर से जब पसीना होता है तो दुर्गंध आती है, तो उसको हटाने के लिए बेलपत्र का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए बेल के पत्तों के रस को निकाल लीजिए। इस रस को अपने शरीर में लगा करके कुछ देर के लिए सूखने दीजिए। इसके बाद आप नहा लीजिए। इससे आपको ताजगी महसूस होगी, साथ ही साथ शरीर से दुर्गंध भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मुंह के छालों को
ठीक करने के लिए बेल के गुदों को पानी के साथ उबाल करके पीजिए। इससे आपके शरीर को ठंडक मिलती है, साथ ही साथ मुंह की गर्मी दूर होती है। इसके अलावा इसे पानी से कुल्ला करते हैं आप इसको पानी में डाल करके, तो आपको काफी आराम मिलेगा। आयुर्वेद में बेलपत्र का खास महत्व है। आप इसका यूज कई समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अधिक मात्रा में बेलपत्र के काढ़े का सेवन नहीं करना है, इससे आपको दिक्कत होगी। अति कहीं भी अच्छा नहीं होता है। अति का न बोलता, अति का न चूप, अति की न छाव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति नहीं होना चाहिए। आप अगर एक स्वस्थ इंसान है तो सप्ताह में एक दिन पी लीजिए, आपके लिए काफी है। ज्यादा से ज्यादा दो दिन पी लीजिए। चाय की तरह से पीना है बस थोड़ा सा, आपको फायदा करेगा। चाय की जगह पर इसका सेवन कीजिए, आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और जब आप डायबिटीज या फिर आपको समस्या है हाई ब्लड प्रेशर की या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन की, तो उस स्थिति में आप थोड़ी थोड़ी डेली भी ले सकते हैं, और जब आपको लगे कि अभी ठीक है हमारा सब, तो थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही घरेलू और हमको स्वस्थ रखने वाली जानकारी है वो लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हम आते हैं, इस चैनल के माध्यम से। तो ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।